नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है ग्रेन स्मिथ एप्पल वैरायटी के बारे में बात करने का। दोस्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये है ग्रेन स्मिथ एप्पल का, और इसमें लगे हैं दोस्तों इस तरह के सेब। आजकल लगा है दोस्तों सितंबर का महीना। हमारे जो लाल रंग के सेब, जिसे हम कहते हैं रेड डिलीशियस, उसका उड़ान हमने कर दिया है दोस्तों जुलाई में, और उसके बाद अभी हो चुके हैं 2 महीने, लेकिन अभी तक भी पेड़ों में ये हरा सेब रहा है दोस्तों। इसका उड़ान होगा अभी अक्टूबर में। मैं खड़ा हूँ इस वक्त 6000 फीट की हाइट में दोस्तों। अगर इससे भी ज़्यादा हाइट होगी तब इस सेब का उड़ान होगा नवंबर या दिसंबर में। ये काफ़ी लेट पकता है दोस्तों। और ये है ग्रीन एप्पल दोस्तों। इस वैरायटी को हमने लगाया था पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि भारत में लाल रंग के सेबों की मार्केट है, लेकिन धीरे धीरे से अब लोग ग्रीन एप्पल को भी पसंद कर रहे हैं। अब धीरे धीरे से इसकी भी मार्केट बन चुकी है दोस्तों। दोस्तों, ये पौधा हमने लगाया था 5 साल पहले, और इस तरह से ये ग्रेन स्मिथ का सेब होता है दोस्तों। अगर इसको कपड़े से इस तरह से रगड़ा जाए तब ये हो जाता है बिल्कुल शाइन। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से शाइन है दोस्तों। बाहर से जो सेब इंडिया में आता है उसमें लगी होती है वैक्स, लेकिन जो हिमाचल से हम सेब बाहर भेजते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी वैक्स का हम यूज़ नहीं करते। ये होती है नेचुरल शाइन। ग्रीन एप्पल में हमारे पास 2 वैरायटियां हैं। एक तो गोल्डन सेब है, दूसरा ये ग्रेन स्मिथ है। जो गोल्डन सेब है दोस्तों, वो 5 से 10 रुपए किलो बिकता है, इसलिए हम उसे अपने खाने के इस्तेमाल के लिए रखते हैं। ये जो ग्रेन स्मिथ है दोस्तों, ये बिकता है 250 से 300 रुपए किलो, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है दोस्तों। और ग्रेन स्मिथ में भी दोस्तों 2 वैरायटियां हैं। एक वैरायटी में इस तरह के वाइट डॉट डॉट होते हैं, इसे कहते हैं ग्रेन स्मिथ चैलेंजर, और दूसरा होता है सिंपल ग्रेन स्मिथ दोस्तों, उसमें इस तरह के वाइट वाइट डॉट नहीं होते दोस्तों। तो इस वैरायटी को तैयार किया गया था 1868 में मारिया एन स्मिथ ने। वो काफ़ी बुजुर्ग थी और उनके बच्चे उन्हें कहते थे ग्रैनी, यानी कि दादी, तो इसलिए उन्होंने इस सेब का नाम कर दिया ग्रेन स्मिथ, यानी कि दादी का सेब। तो दोस्तों, इस सेब में काफ़ी सारी विटामिन होती है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और विटामिन सी होता है दोस्तों, और साथ में इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है दोस्तों। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो ये वेट लॉस में भी मदद कर सकता है दोस्तों, और साथ में अगर इसको खाया जाए तो पेट में ये गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है, और पेट रहता है हल्का, और दूसरे दिन रहती है चुस्ती और फुर्ती दोस्तों। इस सेब को किया जाता है इस्तेमाल चटनी बनाने में, साथ में इसमें बेकिंग में भी इसको इस्तेमाल होता है, और इससे बनता है जैम, सॉस भी दोस्तों। ये ऑल इन वन सेब है दोस्तों। अगर मेरी बात की जाए तो मेरे नज़रिए में अभी तक ये नंबर वन सेब है दोस्तों। अब करते हैं इसको टेस्ट खाकर, और इसको टेस्ट किया जाए दोस्तों। तो अभी तो ये सेब खट्टा है, इसकी जो बाहर की चमड़ी वो है हार्ड, और इसमें रस काफ़ी मात्रा में है दोस्तों। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसमें हल्की सी मिठास भी आती जाएगी दोस्तों। इसमें टेस्ट अगर नींबू से तुलना की जाए तो नींबू से अच्छा है। अगर इसकी खटास की तुलना गलगल से की जाए दोस्तों, तो इसका टेस्ट गलगल से भी अच्छा है दोस्तों। अगर इस सेब की उपलब्धता की बात की जाए दोस्तों, तो ये पूरे साल उपलब्ध हो सकता है। इस सेब की शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी है दोस्तों।